अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले, अपुन यहां से नहीं जाए। अगर तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंपस से बाहर कर देगी। पुलिस? पुलिस आज तक अपुन को अंदर नहीं कर सकी तो बाहर कैसे करेगी? सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइज तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे रैंक पुश के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो गाइज आज हम बात करने वाले रैंक पुश के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। एंड साथ ही गाइज आज बंदों को देने वाले एक 400 का रिडीम कोड जो कि आप लोग आराम से पा सकते हो नॉर्मली वीडियो देखकर। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ यार, गाइज वीडियो में ज़्यादा वो नहीं है। अगर जिस बंदे को वाकई में रैंक पुश करना है ना, जो वाकई में रैंक पुश करना चाहता है तरीके से एंड उसको मास्टर या ग्रैंड मास्टर लगाना है, तो आराम से गाइस 10-15 दिन के अंदर आराम से ग्रैंड मास्टर लगा सकते हैं। लेकिन उसकी गाइस उसके लिए तीन चार बातें बताऊंगा, स्ट्रेटजी जो आपको करना ही पड़ेगा तभी जाके होगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर वीडियो को अभी तक किसी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल का नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दो ताकि आपको हर वीडियो मेरी न्यू वीडियो आती रहे। एंड गाइस अभी थोड़ा गाँव की तरफ आया हूँ तो उस चक्कर में एक आध दिन वीडियो लेट सेट हो सकती है, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान देना। गाइस रैंक पुश करना तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, नॉर्मली स्ट्रेटजी होनी चाहिए बंदों के अंदर। एंड एक तो गाइस देखो सबसे मेन पॉइंट तो अपना होता है जैसे कि अपने पास स्क्वाड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गाइस स्क्वाड का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, या तो अपने आप अगर रैंक पुश वाकई करना चाहते हैं, एक दो दोस्त जो भी आपके साथ करना चाहते हैं, तो नॉर्मली सबसे पहले तो जो लोग आपकी अच्छी बनती हो एंड अच्छे से उनके साथ स्ट्रेटजी बनी हो आपकी, कि भाई अगर वो कुछ भी कर दे तो दिक्कत नहीं होती। क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, नॉर्मली बंदे किल का लालच बहुत ज़्यादा करते हैं, गाइज रैंक पुश भी करना चाहते हैं एंड बहुत गंदी तरीके से ऐसे बुसाते हैं कि मैं हार्ट हार्ट 10 किल भी निकालो, तो गाइज वो चीज़ स्टडी ख़राब कर देती है। अगर वो किल मार रहा है किसी ने और उसके दोस्त ने अगर बीच में भी एक गोली दो गोली मार के किल एक किल भी गलती से ले लिया, तो वो लोग बीच में लड़ाई झगड़े करने लग जाते, गेम पे ध्यान नहीं देते और आपस में दोस्त से गाली गलौज करने लग जाते, ताकि फिर उन लोगों के साथ ना तो वो अगली स्क्वाड में आ पाते, अगली स्क्वाड में यह बंदा पकड़ता है, उनकी स्टडी उसके समझ में नहीं आती कि भाई ये किस तरीके से खेलने वाले हैं, ये किस तरीके से खेलेगा। तो नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं होगा, किल का कोई लालच ही होना ही नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि किल एक ऐसी चीज़ है लास्ट में अगर आप तरीके से खेलते रहोगे एकाध किल भी निकलते जाएंगे ना लास्ट तक, आपकी 4-5-6 किल हो जाते हैं और 4-5-6 किल होने वाला बहुत ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा किल चाहिए गाइस वो तो फिर रैंक पुश की सोचो ही मत गाइस। नॉर्मली अगर चाहता है कि मैं 10 किल भी करूँ और रैंक पुश भी करूँ तो फिर रहने दो गाइस, वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना नॉर्मली। तो गाइस सबसे मेन पॉइंट होता है तो अपना दोस्तों को गाइस दोस्त ऐसे बनाओ जिससे अपनी बातें चीतें होती रहो एंड नॉर्मली अपनी बातें भी सुने एंड तरीके से सब बंदों को लालच नहीं हो कि भाई मैं ही मारूं इस बंदे को वो मारूं, एंड तरीके से गाइस साथ रहना पड़ता है साथ। अगर एक भी मैच में आप ऐसे हो कि अगर किल करने के लिए एक जा रहा है भीमा शक्ति एक पीक पे जा रहा है तो फिर वो नहीं हो पाता है गाइस, क्योंकि मानता हूँ अगर एक आध दो बंदे उसने मार दिए लेकिन उसके बाद अगर कोई न्यू स्क्वाड मिल जाता है जैसे कि एक कॉम्बिनेशन बना के खेल रहा हो कोई स्क्वाड, तो वो उनको मार नहीं पाएगा और नॉर्मली वो एक मर जाएगा, दूसरा मर जाएगा, तीसरा उनको बचाने के चक्कर में जाएगा, वो मर जाएगा, चौथे फिर रैंक उसके चक्कर में इधर उधर छिप के बैठा रहेगा, तो वो ऐसे ही मर जाएगा। तो ना तो वो रैंक की प्लस हो पाती है ना कुछ नहीं हो पाता। तो भाई नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता है कुछ भी। अगर वाकई में आप रैंक पुश करना चाहते हो गाइस नॉर्मली तो आपको स्क्वाड रखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन जो कि गाइस एक साथ रहना पड़ेगा। हाँ एक बंदा थोड़ा साइड में रख सकते हो जो आपको लगता है भाई नॉर्मली कि अपना ये स्क्वाड का ये बंदा है ये थोड़ा अलग तरीके से खेल सकता है एंड वो वाकई में वो जिंदा बिंदा करके थोड़ा ऐसा हो सकता है। 2-3 बंदे तो गाइस साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसी मुसीबत हो जाती है 3 बंदे भी आराम से स्क्वाड मार देते हैं या फिर 3 बंदे को एक बंदा दो बंदा लास्ट में इतना ही बचते हैं, एक एक दो दो बंदे ही बचते हैं लास्ट में, तो उनको आप आराम से मार सकते हैं नॉर्मली लास्ट तक ले गए मैच को भैया नहीं हो मानता हूँ लेकिन टॉप 2 टॉप 3 भी हो जाएगा अगर इसमें अच्छा खासा पॉइंट प्लस निकल जाएगा एंड लास्ट में इतने ज़्यादा बंदे बचते हैं ना कि 2-3 के लिए भी सही तरीके से मारोगे तो आराम से मिल जाते गए। तो गाइस उसी के साथ मैंने आपको बोला था जैसे कि 400 का रिडीम कोड देने वाला हूँ, तो गाइस अभी आप लोगों को एक रिडीम कोड आएगा तो उसको क्लेम करना एंड नॉर्मली गाइस जो भी बंदा क्लेम करता है तो एक बार बताना ज़रूर, तो गाइस ऐड करना एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पार्ट 2 लेके आऊँगा रैंक पुश का टिप्स एंड ट्रिक का एक और जो भी तरीका है। तब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।